हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे आप लोग कंप्यूटर यूज़ करते हो, जैसे फोटोशॉप चलाते हो, माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हो, टेली यूज़ करते हो, तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आप अपने अपनी फील्ड के अंदर परफेक्ट चलाते हो, लेकिन कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो आज भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो जैसे कंप्यूटर में पासवर्ड कैसे लगाएं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। 10 ऐसी कॉमन चीज़ें बताऊँगा जो आपकी डेली लाइफ में हमेशा काम आती है और आप सोचते भी होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ फोल्डर हाइड। तो फोल्डर को आप कैसे छुपाओगे, जैसे कोई भी आपका पर्सनल फोल्डर है, आप चाहो कि कंप्यूटर पीसी आपका कोई भी यूज़ करे, तो उसके अंदर आप उस फोल्डर को छुपाओ कैसे, जैसे कोई भी यूज़र आपके कंप्यूटर को चलाए या यूज़ करे तो उसको वो फोल्डर दिखाई ना दे सिवाय आपके। तो बहुत सिंपल है, तो चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे करना है हाइड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, माई कंप्यूटर के अंदर ओपन करना है और यहाँ पे आप कोई भी किसी भी ड्राइव के अंदर कोई भी फोल्डर बनाना चाहो। जैसे सपोज मान लो कि मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर है वो क्रिएट कर लिया। ये देखिए, अभी ये फोल्डर क्रिएट कर लिया, इसके अंदर मैंने कोई भी फाइल डाल दी या कुछ भी डाल दिया। अब मैं इस फोल्डर को क्या करूंगा, हाइड कर दूंगा, गायब कर दूंगा। कैसे, देखिए आपके सामने। अब यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा हाइड का, तो मैं यहाँ पे इस फोल्डर को क्या करूंगा, अप्लाई कर दूंगा और ओके कर दूंगा। फिर आपको यहाँ पे सेटिंग जो व्यू है वहाँ पे जाना है, जाने के बाद में आपको जहाँ हाइड फोल्डर है वो वहाँ पे ओके करना है। तो जैसे ये फोल्डर है वापस दिखाई देगा, और जैसे ही आप यहाँ से हाइड को हटाओगे तो वो फोल्डर है वो अपने आप गायब हो जाएगा। ये देखिए, अब वो फोल्डर है नहीं, कोई भी आम आदमी यहाँ से आपका चलाएगा या वापस आपका फोल्डर ओपन करेगा तो उसको वो फोल्डर नज़र नहीं आएगा। और जब आप अपना कंप्यूटर यूज़ करो और आपको वो फोल्डर वापस देखना है कि वो फोल्डर कहाँ पे है, तब आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे दिख रहा होगा हिडन आइटम्स, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो वो जो आपने हाइड फोल्डर किया है वो आपको शो करेगा। तो बहुत ही ईजी है दोस्तों। तो बात करते हैं नेक्स्ट टिप की। तो बहुत बार क्या करते हो आप, कुछ ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हो, ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हो अपने पीसी के अंदर जिनको कुछ टाइम के बाद आपको उनकी ज़रूरत नहीं होती और आपको पीसी के अंदर स्पेस चाहिए और आप उनको अनइंस्टॉल करना चाहते हो, तो उनको अनइंस्टॉल कैसे करेंगे। तो चलिए सीखते हैं टिप्स नंबर दो, कि किसी भी ऐप को आप अपने पीसी के अंदर बहुत ही आसानी से उसको अनइंस्टॉल या बोल दो डिलीट कैसे करोगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं। या तो आप यहाँ से सीधा अपने जो कंप्यूटर है उस पे यहाँ पे सर्च कर सकते हो कंट्रोल पैनल नाम लिख के, और मैं थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ, से बात वही है, कंट्रोल पैनल ही ओपन होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली माई कंप्यूटर पे आ रहा हूँ और प्रॉपर्टी पे आ रहा हूँ। जैसे ही प्रॉपर्टी पे आऊँगा तब आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल नाम दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही कंट्रोल पैनल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे नाम दिख रहा होगा प्रोग्राम्स अनइंस्टॉल्स ए प्रोग्राम, तो यहाँ पे आपको ओके करना है। और यहाँ पे आपको वो सॉफ्टवेयर या मान लो जो वो प्रोग्राम वो आपको सिलेक्टेड करना है जिसको आप अनइंस्टॉल करना चाहते हो, जो भी हो आपका। जैसे सपोज मैं ये टोटल वीडियो कन्वर्टर है उसको अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ, यानी मेरे पीसी से डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। और ये सिंपली क्या कर देगा, उसको यहाँ पे ऑप्शन भी मांग रहा है, यू आर श्योर वांट टू कम, जो है ड्राइवर है वो रिमूव करना चाहते हो, ये कन्वर्टर जो पूरा सॉफ्टवेयर है उसका पूरा डिटेल दिया गया है आपको, तो आप यहाँ पे यस कर देना। जैसे आप यस करोगे, यस करते ही जो आपका सॉफ्टवेयर है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो इसके अंदर आप ऑल कर देना, यस ऑल, तो पूरी की पूरी फाइलें हैं वो। इस तरीके से आप कोई भी जो सॉफ्टवेयर है वो आप अपने कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर बहुत ही आसानी से अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो ये देखिए इंस्टॉल है, वो रिमूव सक्सेसफुल हो गया, यानी ये आपके कंप्यूटर से हट गया है। ये देखिए अब यहाँ पे ये दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे कोई भी आप जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो बात करते हैं टिप्स नंबर थ्री पे। तो दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो पहले की तुलना में बहुत स्लो चलने लगा है, बहुत कम चलने लगा है, और नेट भी आप उसके यूज़ कर रहे हो तो नेट भी बहुत ही स्लो चल रहे हैं। तो उसका बेसिक कारण क्या होता है कि आपके जो फाइल है उसमें कुछ टेम्प फाइलें होती हैं वो ऐड हो जाती है, उनको हमें डिलीट करना पड़ता है। तो उनको डिलीट कैसे करें जिससे आपका कंप्यूटर पहले की तुलना में थोड़ा अच्छा चले और नेट भी थोड़ा बहुत फास्ट चले।
तो चलिए सीखते हैं अगला स्टेप। तो दोस्तों उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, सर्च बार पे आना है आपके अपने कंप्यूटर पे और वहाँ पे आपको टाइप करना है run। रन टाइप करके जैसे ही आप ओपन करोगे तब वहाँ पे आपको कमांड देना है, कमांड देना है, प्रतिशत का चिन्ह लगाना है, फिर लिखना है ये देखिए temp टेम्प और फिर वापस प्रतिशत लगाना है और उसको ओपन करना है। अब इसके अंदर जितनी भी फाइलें उनको ऑल सेलेक्ट करना है, ऑल सेलेक्ट करने के बाद में शिफ्ट और साथ में डिलीट दोनों दबा के और आपको इंटर कर देना है और ये जितनी भी फाइलें डिलीट होती है उनको डिलीट कर देना है, बाकी जो बची फाइलें उनको स्किप कर देना है। एक दो फाइल रहेगी इसके अंदर आम बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई वायरस है, बिल्कुल नहीं है, ये एक दो फाइलें रहती है। तो ऐसे आप अपने कंप्यूटर की स्पीड है वो पहले की तुलना में बहुत अच्छी कर सकते हो। तो दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। काफ़ी बार आपको स्क्रीन पे देख रहा होगा आपके जो कंप्यूटर के अंदर ऐसा सिस्टम आता है कि योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट। जब आप किसी भी ब्राउज़र के अंदर अपनी नेट यूज़ करते हो जैसे मोजिला के अंदर है या गूगल क्रोम के अंदर है, एक्स्ट्रा जो भी आप जो भी यूज़ करते हो उसके अंदर आपके ऐसा ऑप्शन आया हुआ होगा, तो ये किस वजह से आता है पहले तो मैं इसका आपका सॉल्यूशन बताऊँगा कि आपके साइड में कंप्यूटर प्रॉब्लम है, जो टाइम आपका सही सेट नहीं हुआ हुआ है टाइम डेट, तो उसको सही तरीके से सेट कर लेना क्योंकि ये उसकी वजह से ही आता है। जैसे ही आप उसको सही सेट करोगे फिर वापस ब्राउज़र है वो ओपन करोगे तो वो प्रॉब्लम आपके वापस नहीं आएगी। तो बहुत ही इजी तरीके से आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो। तो आप घबरा जाते हो उसको देख के कि किसके पास जाए, कंप्यूटर मैकेनिक को फ़ोन करते हो या आपके जो भी फ्रेंड है जो कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जानता है उसको फ़ोन करते हो कि ऐसा आ रहा है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपना टाइम सेट करो, टाइम सेट करने के बाद में आप अपना नेट अपने कंप्यूटर के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो ये मोस्टली आता किस वजह से है, मदरबोर्ड की आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर, आप गौर से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सेल दिख रहा है, तो वो सेल है या तो डिस्चार्ज हो जाता है या वो सेल ख़राब होने की वजह से या सेल मदरबोर्ड के अंदर नहीं होने की वजह से। आप जैसे ही कंप्यूटर को जितनी बार रिस्टार्ट करते हो उतनी बार आपको टाइम सेट करना पड़ता है। यदि आप वो सेल एक्सचेंज वापस नया डलवा लोगे तो आपको ऐसा प्रॉब्लम का जो सामना है वो नहीं करना पड़ेगा, टाइम एक बार ही सेट करना पड़ेगा फिर आप नेट चला सकते हो। यदि सेल ख़राब हो गया है तो आपको बार बार है वो टाइम वो सेट करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर के अंदर फिक्स सेट करते रहना पड़ेगा। जितनी बार आप उसको ऑफ करके यानी शट डाउन करके ऑन करते हो तो उतनी बार जब नेट यूज़ करोगे तो टाइम सेट करना पड़ेगा, यदि टाइम सेट नहीं करोगे तो ये वाला ऑप्शन ज़रूर आएगा। तो आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। तो दोस्तों बहुत सारे लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि उनका पीसी है वो कौन से बिट का है। अभी जो नए यूज़र हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं, लगभग लोगों को तो पता होता है कि बिट क्या होता है, बिट के लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता है जैसे अपना कंप्यूटर कौन से बिट पे काम कर रहा है, 64 बिट पे है या 32 बिट पे है, तो उसको कैसे आप वेरीफाई करो कि आपका जो सिस्टम है वो कौन से बिट पे काम कर रहा है। उसके लिए तो सिंपली आप स्क्रीन पर देखिए और सीखिए, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आपको उसके लिए क्या करना होगा, सिंपली माई कंप्यूटर पे आना है और आपको सिंपली यहाँ पे पीछे आना है, नीचे नीचे आपको नाम दिख रहा होगा प्रॉपर्टीज, उस पर आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तब आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ नीचे मिल जाएगी। तो आपको पता है जैसे मैं बात बिट की कर रहा हूँ लेकिन थोड़ी बहुत आपको जानकारी और दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये बता रहा है इसका प्रोसेसर कौन सा है, इंटेल प्रोसेसर है, जनरेशन बता रहा है कितना गीगा हर्ट्ज पे काम कर रहा है, रैम कितनी है, बिट कौन सा है। तो बात अपनी सिर्फ बिट की थी तो ये कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा है अपना कंप्यूटर, बिट है वो 64 बिट पर काम कर रहा है अपना जितना भी सिस्टम है सारा का सारा। तो बहुत ही इजी है बिट का पता लगाना। तो आज आप लोगों को पता चल गया होगा कि बिट का पता कैसे लगाते हैं कि आपका जो भी कंप्यूटर है वो कौन से बिट पे काम कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो दोस्तों टिप नंबर 6 की बात करते हैं। टिप नंबर 6 है वो आपके सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप अपने कंप्यूटर में कोई भी यूज़र आके आपका यूज़ कर लेता है तब आप चाहते हो कि आप एक प्राइवेसी सिक्योरिटी रखें, आप उस पर पासवर्ड लगा के रखें जिसे कोई भी अनजान व्यक्ति आके उसको चला ना पाए।
तो उसके लिए बहुत सारे लोगों को आता है, लेकिन जो नए कंप्यूटर यूज़र हैं उनको अभी तक पासवर्ड लगाना नहीं आता है कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर पासवर्ड है वो कैसे लगाओगे। तो उनके लिए चलिए देखते हैं वीडियो में। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और कैसे पासवर्ड लगाते हैं सीखते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सिंपली आपको अपना जो कंप्यूटर या लैपटॉप है उसके अंदर कंट्रोल पैनल है वो सर्च करके ओपन कर लेना है। और जैसे ही आप कंट्रोल पैनल को ओपन करोगे, ओपन करते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा चेंज अकाउंट टाइप, तो इसको आपको यहाँ से ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे तो वैसे मेरा पहले से पासवर्ड लगाया हुआ है, तो यदि आपका नहीं लगाया हुआ तब यहाँ पे आपको क्रिएट हो जाएगा। तब आप सिंपली इसको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे तब आपको यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड आ जाएगा, और मेरे यहाँ पहले से पासवर्ड लगा हुआ है तो वहाँ पे मेरे को चेंज द पासवर्ड नाम आया हुआ है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ में कभी भी चेंज पासवर्ड है पुराना जो करंट पासवर्ड डाल के और अभी जो नए पासवर्ड है वो सेट कर सकता हूँ। तो ऐसे भी आपके यहाँ पे भी चेंज की जगह क्रिएट पासवर्ड आएगा, और वहाँ पे आप क्रिएट करके बहुत ही आसानी से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर पासवर्ड लगा सकते हो। पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। तो दोस्तों कई बार अपने कंप्यूटर के अंदर ऐसे जो ड्राइवर है वो मिसयूज हो जाते हैं, जिनको हमें पता नहीं चलता कौन सा मिसयूज है। तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर हमें पता चल जाए कि ये मिस्यूज, तब तो हम उसको जाके अपग्रेड कर ले या इंस्टॉलेशन कर ले अपने कंप्यूटर के अंदर, तो पता भी तो चलना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें पता चल जाए कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कौन से ड्राइवर है, डिवाइस है या ड्राइवर है जो मिसयूज है, जिसको हम बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं या इंस्टॉलेशन कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर। तो चलिए दिखाते हैं वो आपको, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि आपके जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसके अंदर कौन कौन से ड्राइवर है वो मिसयूज है। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों उसके लिए सिंपली आपको माइक कंप्यूटर या डिस पीसी के अंदर जाना है और नीचे प्रॉपर्टीज पे ओके करना है, और जैसे ही ओके करोगे आप तब आपको वहाँ पे डिवाइस मैनेजर नाम से एक ऑप्शन दिखेगा, उसको आपको ओके करना है। जैसे ही आप यहाँ पे ओके करोगे तो आपके जितने भी लैपटॉप के अंदर जो डिवाइस जो ड्राइवर है वो मिसयूज रह गए हैं, तो उनको आप कैसे उन डिवाइसों को इंस्टॉलेशन करोगे। जैसे मेरे अंदर एक तो ये 3D वीडियो कंट्रोलर वाला ये बाकी है, एक USB वाला ये बाकी है, तो ये दोनों मुझे क्या करना है, इंस्टॉलेशन करना है या अपग्रेड करना है। ऑनलाइन भी कर सकते हो आप, जैसे आपके पीसी के अंदर जैसे नेट स्टार्ट है तो अब यहाँ से आप सीधे अप टू डेट डिवाइस सॉफ्टवेयर वो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो पता चल गया आपको, बहुत इजी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 8 पे। तो टिप नंबर 8 है वो बहुत ही, जैसे कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज रहता है तो जैसे ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि कंप्यूटर के अंदर आपके फ्रेंड या कोई भी ऐसे नॉन पर्सन आपको बोल दे कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी फोल्डर बनाना है, कोई भी फोल्डर को आप कुछ कुछ भी नाम दे सकते हो, वो इम्पॉसिबल है। तो ऐसा है नहीं, कंप्यूटर के अंदर आप कौन नाम का फोल्डर है वो क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो ये आप अपने दोस्तों को बताओगे और वो अपना कंप्यूटर के अंदर फोल्डर क्रिएट करेंगे तो फोल्डर क्रिएट नहीं होगा, तो उनको लगेगा कि आप काफ़ी स्मार्ट हो, कंप्यूटर के बारे में आपको बहुत कुछ पता है। तो चलिए देखते हैं, फोल्डर बना के आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे कि बनता है या नहीं बनता है। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए दोस्तों फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ और उसको मैं नाम दे रहा हूँ CONCON। ये देख रही है नहीं बन रहा, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ CON, नहीं बन रहा। कंप्यूटर के अंदर कोई भी ड्राइवर है वो ज़्यादा फुल हो जाता है या एक ड्राइवर हमारे पास खाली पड़ा रहता है, तो उस समय हम बिना विंडो चेंज किए हुए कैसे अपने कंप्यूटर के अंदर है वो पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, एक को डिलीट करके वही उसके अंदर कैसे कवर कर सकते हैं। तो सिंपली दिखाऊंगा, नॉर्मली दिखाने वाला हूँ आज, लेकिन उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी आप अपने थोड़े से जनरल के लिए बस हल्का सा सिखाने वाला हूँ, तो ध्यान दिए स्क्रीन के ऊपर, चलिए सीखते हैं। तो दोस्तों करना क्या है, माई कंप्यूटर पे जाना है और यहाँ पे मैनेज ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तब आपके पास एक नया मेन्यू ओपन होगा। जैसे नया मेन्यू ओपन, वहाँ पे आपको कोई एक नाम दिखाई दे रहा होगा डिस्क मैनेजमेंट,
तो यहाँ पे आपको ओके करना है। जैसे ही आप यहाँ पे ओके करोगे तो आपकी जितनी भी हार्ड डिस्क है उसकी जितने भी आपके डिवाइस बनाए हुए हैं सारे के सारे वो स्क्रीन के ऊपर शो करेंगे। तो आपको सिंपली जिस हिसाब से जो ड्राइव है जो भी डिवाइस आप डिलीट करना चाहते हो या नया जो डिवाइस है वो क्रिएट करना चाहते हो वो सिंपली आप कर सकते हो। सपोज मान लो कि मुझे ये वाला डिलीट करना है तो आप सिंपली यहाँ पे डिलीट वॉल्यूम कर सकते हो, और जैसे आपको ये वॉल्यूम डिलीट होगी तो यहाँ पे भी ये वॉल्यूम है वो ऐड वाला भी ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें से आप क्रिएट भी कर सकते हो डिलीट भी कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 और लास्ट पॉइंट है। कभी बार क्या होता है आपके जो कंप्यूटर के जितने भी ड्राइवर है वो काफ़ी फुल हो जाते हैं, जैसे मान लो सी है डी है जो भी आपका जो भी ड्राइवर है वो फुल हो जाता है, तो उसमें आप थोड़ा बहुत स्पेस लाना चाहते हो जिसकी वजह से कंप्यूटर हैंग कम हो और स्पीड भी थोड़ी थोड़ी अच्छी मिलती रहे, तो उसके लिए क्या करना होगा तो चलिए स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ और इजी तरीके से सीखिए। तो उसके लिए दोस्तों सिंपली आपको माई कंप्यूटर ऊपर ओपन करना है। ओपन करने के बाद में जैसे जो भी आपका जैसे मान लो ये मेरा ये जो डिवाइस जो है फुल है, तो मैं इस वॉल्यूम को कम करने के लिए मैं प्रॉपर्टीज़ पे आऊँगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कंपोज द ड्राइव टू सेव डिस्क स्पेस, तो यहाँ पे आप ओके करके अप्लाई करके ओके कर देना, जिससे क्या है थोड़ा बहुत आपको स्पेस मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा, और यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।